आज मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो को से दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल रिचार्ज कमीशन ऐप के बारे में। दोस्तों इस ये एप्लीकेशन क्या है, इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन में जो दोस्तों अपना प्रोफाइल रजिस्टर कैसे कर सकते हो, प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं और इस एप्लीकेशन को आप कैसे चला सकते हैं। जैसा दोस्तों आपको हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखाई देने को मिल रहा होगा यहाँ का एप्लीकेशन जिसका नाम है मोबाइल रिचार्ज कमीशन ऐप। यानी कि दोस्तों इस एप्लीकेशन की वजह से आप अगर जो है किसी का भी मोबाइल रिचार्ज करते हैं या से आपको इस एप्लीकेशन में जो है कमीशन देता है रिचार्ज करने का, तो वही ऐप है कमीशन ऐप, मोबाइल रिचार्ज कमीशन ऐप। तो चलिए हम अगर इसकी रेटिंग की बात करें 4.2 की रेटिंग है, 100K+ डाउनलोड है। हम जाते हैं मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर, यहाँ से इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लॉक योर एप्लीकेशन फिंगरप्रिंट डालने के लिए हमें करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम जो मोबाइल रिचार्ज ऐप यहाँ पर कन्फर्म कर देते हैं। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे भाषा सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर टाइप कर देना। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको जो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। और चलिए हम मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देते हैं और यहाँ से देख पा रहे हैं ये हमारा सारा चीज़ परमिशन अलाउ, सारा चीज़ परमिशन अलाउ होने के बाद भी जो यहाँ पर से हमारा देख लीजिए सेटिंग में हम पहुँच जाते हैं। अब आ जाते हैं बैक और यहाँ पे जो हमारा मोबाइल नंबर एंटर कर देना था, चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना एंटर कर देंगे। बने रहिए हमारी वीडियो में हमारे साथ टेक्निकल सिस्टम में। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो इस प्रकार से मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो इंटरफेस आपको ओपन दिख रहेगा। अब देख पा रहे हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जो यहाँ जो ये लोडिंग ले रहा है, तो हम इसे लोडिंग ले लेते हैं। बने हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर हमारे साथ टेक्निकल सिस्टम में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोडिंग ले रहा है, तो हम यहाँ लोडिंग लेने देते हैं और देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जो हमारा वेरिफिकेशन कोड आएगा, ये हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, तब जो हम यहाँ पे आगे की ओर स्टेप बढ़ेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सारा चीज़ एंटर कर देना है और एंटर कर देने के बाद अब देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमारा यहाँ पे एरर बताया जा रहा है। जबकि हम यहाँ मोबाइल नंबर दे दिए और यहाँ पर से जो अब ईमेल एड्रेस दे दिया, ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पे ये देख लीजिए सारा चीज़ दे दिया, बस रेफरल कोड छोड़ा के। अब देख लीजिए दोस्तों हम जैसे यहाँ पर जो है प्रोसेस वाले बटन पर, रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर से देख लीजिए अब जो हमारा 6 अंक का OTP आएगा उस मोबाइल नंबर पे, और उस 6 अंक का OTP को हमें जो है एंटर कर देना है। देख लीजिए हमारा OTP जो है वो आ भी गया है। हम देख लेते हैं हमारा OTP जो है क्या है, 9639639। इस प्रकार से कुछ OTP है दोस्तों, और इस OTP को जो है हम यहाँ पे एंटर कर देने के बाद इसमें से जो है अब यहाँ पे जो कैंसिल हम इसे कर देते हैं, और यहाँ पे दोस्तों होगा कि 1099। और इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिक दोस्तों प्रोसेस होने लगेगा। तो हम इसे प्रोसेस होने देते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो में हमारे साथ टेक्निकल सिस्टम। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा कि दोस्तों आपको हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखाई देने के लिए मिल रहा होगा ये किस प्रकार से लोडिंग ले रहा है, तो हम इसे लोडिंग लेने देते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे जो है हमारा ये सेलेक्ट ईयर। अब जो दोस्तों हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं ये, और डेट ऑफ बर्थ, तो चलिए आप ओके कर देते हैं। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके ओके वाले बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे किस प्रकार से जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये देख लीजिए पूरी तरीके से हमारा इसका इंटरफेस हो चुका है। ये देख लीजिए ये एप्लीकेशन जो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, जिस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों अभी हम इसे ये प्रोसेस हो रहा है, हम इसे प्रोसेस होने देते हैं। अब दोस्तों देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड के ऊपर साइड में हमारा वहाँ पे लोगो दिख रहा है अभिषेक के नाम से। ये देख लीजिए अगर आप नीचे की बात करें तो नीचे 3 ऑप्शन है, ट्रांजेक्शन्स, मेनू और लेडर। तो चलिए दोस्तों हम ट्रांजेक्शन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ से ये लोडिंग ले रहा है। तो चलिए ये सॉरी बता रहा है, तो हम इसे माफ़ कर देते हैं। और ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ से जो आप मनी को ऐड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र मनी, आप बहुत सारी चीज़ यहाँ पर से कर सकते हैं। ये देख लीजिए कैसे यहाँ से आप ऐड मनी कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, AEPS UPI
मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है बड़े आराम से यहाँ से मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, पोस्टपेड रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल का रिचार्ज कर सकते हैं, गैस का रिचार्ज कर सकते हैं, लैंडलाइन बिल का रिचार्ज, फास्टैग, गूगल प्ले और जो है दोस्तों इंश्योरेंस पेमेंट, डेली रिपोर्ट, रिचार्ज रिपोर्ट, ट्रांसैक्शंस, इस प्रकार से दोस्तों आप सारे यहाँ पे जितना भी फीचर्स दिया गया है इस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप सारे चीज़ का दोस्तों बड़े आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं और इस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब है, वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों आप देख पा रहे आप अगर दोस्तों यहाँ पर मेन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे मेन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ से जो दोस्तों आप जो है पासवर्ड को चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, चेंज पिन कर सकते हैं, चेंज लैंग्वेज कर सकते हैं, मोबाइल टोल फ्री, डीटीएच टोल फ्री, अमाउंट यस, कॉन्टैक्ट यस, नोटिफिकेशंस, रेफरल एंड अर्न। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ से जो आप लॉग आउट भी हो सकते हैं, लॉक सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए अब हम रेफरल एंड अर्न वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए शेयर रेफरल कोड, तो हमारा ये रेफरल कोड है। तो बस आज के लिए दोस्तों हमारा आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।